और जिथे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान है उतने बेचारे वैन वाले भी भुखमरी का शिकार हो गए। प्राइवेट स्कूलों टीचर की तनखा बंद की हुई है। दूजे पास ये है कि पंजाब सरकार ने स्कूल बंद करते कि बच्चे अनपढ़ रहन, पढ़ के ये दिमागदार ना हो जाए, ये नौकरियां मंगणगे पढ़ लिख के। जे इन्होंने आने वाले समय के स्कूल जल्दी ना खोले, कॉलेज ना खोले, तो असं जो अंदोलन है दिल्ली के नाल नाल पंजाब दे विच पंजाब सरकार के खिलाफ भी मोर्चे लावांगे। क्योंकि जिहड़ा करोना है यह पंजाब सरकार का कह लो चाहे सेंटर सरकार का कह लो एक तरह का कमाऊ पुत है, जिथे इन्हां नूं लोड़ पैंदी है उत्थे करोने नूं भेज दिंदे ने। करोना महामारी के बढ़ रहे प्रकोप में देखते हुए पंजाब सरकार वालों स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जिस तों बाद सरकार के खिलाफ रोस प्रदर्शन बढ़ता जा रहा। पहला स्कूल अध्यापकों ते बच्चों वालों सरकार के खिलाफ रोस प्रदर्शन किया गया सी, ते हुण भारतीय किसान यूनियन उगराहां की अगवाई में अज वड्डी गिणती में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलिया गया। तस्वीर तुसीं देख सकते हो मानसा दीआं, मानसा दीआं तस्वीर दिखा दईए, तुसीं देख सकते हो वड्डी गिणती में औरतां किसान मजदूर बच्चों के मापे इस संघर्ष के कुदे ने सरकार के खिलाफ, तां कि बंद किए हुए स्कूलों नूं खुलवाया जा सके। साडे नाल किसान आगू ने गल कर लवांगे कि किस तरह की उन्हां दी जिहड़ी रणनीति तय की गई है, की कहोगे प्रधान जी, लगातार संघर्ष किया जा रहा अज सरकार के खिलाफ मोर्चा जिहड़ा खोलिया गया है। इस तों पहला जिहड़ा साडा अंदोलन दिल्ली सरकार के खिलाफ चल रहा है काले कानूनां नूं रद्द करवाउण लई, अज पंजाब सरकार के खिलाफ सानूं जिहड़ा मुजाहरा करना पै रहा है, उहदा कारण यह है कि करोना की आड़ थले पंजाब सरकार ने लगभग एक साल तो जिहड़े स्कूल आ उह बंद किए हुए हैं। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, प्राइवेट स्कूलों के फीसा लै लिया पर स्कूलों के बच्चे नहीं जा रहे, यही हाल सरकारी स्कूलों का है। और जिथे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान है उत्थे बेचारे वैन वाले भी भुखमरी का शिकार हो गए। प्राइवेट स्कूलों टीचर की तनखा बंद की हुई है। इस करके सरकार जान बुझ के असं एक उदाहरण दे सकते हैं भी ठेके खुले है, स्कूल बंद किए हुए हैं, होर सारे इदारों के मतलब जी इन्हों आप रैलियां हो रही ने उत्थे इकट्ठ हो रहे हैं, उत्थे कोई रोक टोक नहीं है। इस करके अज सरकार सुनौनी की है कि कानूनों खिलाफ लड़ना वो भी साढ़े आने वाली पीढ़ी का भविख है कि जमीन जानगियाँ। दूजे पास ये है कि पंजाब सरकार ने स्कूल बंद करते कि बच्चे अनपढ़ रहन, पढ़ के ये दिमागदार ना हो जाए, ये नौकरियां मंगणगे पढ़ लगे। इस करके अच्छ सुनौनी करके कि स्कूल तुरंत खोल दो, नहीं तो फिर सानू पंजाब सरकार के खिलाफ इस गल्ल ते पक्के मोर्चे लाने, चाहे असी जिला हैडक्वार्टर ते लगीए चाहे कितने भी लगीए। जानी अंदोलन शुरू हो गया दिल्ली के नाल नाल पंजाब सरकार के खिलाफ भी स्कूल खुलाने की खातर अंदोलन जारी होगा। जिहड़ा ये संघर्ष किया जा रहा है ये किसान मजदूर राजा बच्चों के जिहड़े मापे भी आए ने गे, क्योंकि सारिया नहीं आना, सारिया की फर्ज बनता है। पंजाब सरकार ने करोना की आड़ च लगभग पिछले एक साल तो पढ़ाई बंद है, स्कूल बंद पे है, बच्चों का भविख है जिहड़ा वो खराब हो रहा है। असी जो हुण सरकार ने विच दी थोड़ा समा स्कूल खोल के फिर 31 मार्च तक बंद करते, सानू उम्मीद सी कि 31 मार्च तो बाद स्कूल खुल जाएंगे, इन्होंने हुण 31 तो वधा के 10 अप्रैल करता, अप्रैल तो अगे भी जाया जा सकता है। इसलिए अज सरकार के इस माड़े इरादों को देखते हैं असी पहलकदमी की है, किसान मजदूर और जिहड़े बच्चे विद्यार्थी पढ़ते उन्हां दे मापे आए हैं। अज साडा पहला प्रदर्शन है, साडी मंग है कि स्कूल खोल लियो, बच्चों के भविख में ना खराब करो, तुसीं करोना करोना करके बच्चों के भविख में दाते लाने लगे हो। जे इन्हां ने आने वाले समय के स्कूल जल्दी ना खोले, कॉलेज ना खोले, तो असीं जिहड़ा अंदोलन है दिल्ली के नाल नाल पंजाब दे विच पंजाब सरकार के खिलाफ भी मोर्चे लावांगे। इस तों बाद की प्रदर्शन हुण कीता जा रहा, कोई मुजाहरा जां होर भी कुछ करना हैगा? इस तों मगरों असीं जिला हैडक्वार्टर ते डीसी मानसा नूं मंग पत्र देवांगे, ते बाजार दे विचों लंघदे हुए मुजाहरा करांगे, स्कूल खोलण वास्ते सरकार ते दबाव बनावांगे। क्योंकि जिहड़ा करोना है यह पंजाब सरकार का कह लो चाहे सेंटर सरकार का कह लो एक तरह का कमाऊ पुत है, जिथे इन्हां नूं लोड़ पैंदी है उत्थे करोने नूं भेज दिंदे ने। जिथे पछमी बंगाल दे विच असाम दे विच बड़ियां बड़ियां रैलियां हो रही ने उत्थे करोना है नहीं। कुछ दिन पहला कैप्टन दी पोती दा ब्याह सी उत्थे हजारां दा कट सी उत्थे करोना है नहीं। शराब दे ठेके खुले ने उत्थे करोना है नहीं। पर सिर्फ बच्चों के स्कूल खोलण वास्ते करोना है। कारण की है, जे बच्चे अज साडे पढ़ लिख जांदे ने तां उह कल नूं नौकरियां मंगणगे। सरकार नौकरी देण तों रुजगार देण तों भज रही है। इस करके सरकार ने करोने की आड़ दे विच स्कूल बंद करन दा फैसला किया है। सो एक साल तो इन्हां ने स्कूल बंद किए हुए ने, असीं सरकार नूं मजबूर करांगे स्कूल खोलण वास्ते।
सरकार कहती है भी बच्चे छोटे ने, इस करके जो फैसला लिया गया है कोरोना करके की लगता? ये जिहड़े सरकार ये जिहड़े फैसले ले रही है बिल्कुल गलत रह रही है, क्योंकि जे आपां कह दईए कि जिहड़ी बजुर्गां दी हैगी रोगां नाल लड़न दी शक्ति तां घट हो सकदी है, पर बच्चे हुंदे नेगे जिहड़े ये नौजवानां वांगू हुंदे नेगे जिहड़े इहनां च करोना नाल लड़न दी वी बहुत शक्ति है, पर ये एक करोना दी आड़ दे थल्ली है जिहड़ा पंजाब दा या देश दे जिहड़े बच्चां दा जिहड़ा भविख दा ते लाया जा रिहा है, क्योंकि इहनां नूं पता है कि आउण वाले समें दे विच जिहड़े लोक पढ़ लिख जांदे ने ते उह आपदे हक्कां लई है जिहड़े उह संघर्ष करदे ने, इस लई है जिहड़ा इह सरकारां ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸੇ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ DC ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਅ 'ਤੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ, ਜੇਕਰ ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆਗੂ ਨੇਗੇ ਔਰ ਆਪਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਵੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਂਝਾ TV, ਮਾਨਸਾ। ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਵਰ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ।